हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर हम ब्लीच कैसे बनाएं, और एक ऐसी ब्लीच जो आपको ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा, ना आपके चेहरे पर कोई नुकसान होगा, और ना ही कोई परेशानी प्रॉब्लम होगी, और चेहरे पर एक बहुत ही बढ़िया सा ग्लो आने वाला है आपके चेहरे पर। सब पूछेंगे कि क्या लगाती हूँ आप चेहरे पर, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो मेरे साथ। चलिए बना लेते हैं घर पर कैसे मैं ब्लीच तैयार करती हूँ। तो उसके लिए हमें एक तो ये ज़रूरत पड़ेगी, वैसलीन की डिब्बी है छोटी वाली, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक मैंने ये टमाटर का जूस है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, मिक्सी में वर्णन नहीं कर पाओगे। तो जो कद्दूकस होता है उसके बारीक वाली साइड से आप इसे घिस सकते हो, ताकि वो बहुत पतला एक पेस्ट बन जाए बारीक सा। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ली है ये हल्दी थोड़ी सी मात्रा में लेनी है, और ये घर पर गांठ वाली जो हल्दी पीसते हैं ना, वही हल्दी है, घर की पिसी हुई हल्दी है। आप ध्यान रखना कि मार्केट की हल्दी मत लेना, जो घर पर गांठ लाते हैं ना साबुत हल्दी वाली, वही उसका ही यूज करना है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनानी है। उससे पहले ध्यान धर लेना है कि ये जो एक हमें कॉटन का रुमाल लेना है, सूती बिल्कुल कॉटन का, और साफ धुला हुआ बढ़िया से मैंने धो रखा है ये। और हमें एक बाउल में ले लेना है गरम पानी। अब हम इसमें इस हैंकी को डुबोएंगे, डुबो के हम इसे निचोड़ लेंगे सही से, इसका सारा पानी हैंकी का निचोड़ देंगे, अपने चेहरे को इस तरीके से पोंछ लेना है, ताकि चेहरे पर कोई भी मेकअप वगैरह या गंदगी चिकनाई वगैरह चेहरे पर ना लगी रहे। और ये ध्यान धरना है कि हैंकी बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन हो, वरना इन्फेक्शन बनने का डर लगा रहता है इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा वैसलीन, ये वैसलीन, और ये हल्दी है, इस वैसलीन में ये हल्दी मिला लेंगे। सर्दियों का मौसम है, ये जमी हुई है, इसका भी मैं एक तरीका बताऊंगी आपको कैसे मैट करनी है, कैसे मिलानी है ये। और ये जो हमने टमाटर का जूस बनाया था, ये भी हमें इस कटोरी में डाल लेना है, जितना भी आपको ज़रूरत हो। इस तरीके से हम इसे वैसलीन, अगर इसमें नहीं पिघल रही है तो हमें क्या करना है, ये जो हमने पानी लिया है इसमें हम इसे ऐसे करके थोड़ी सी देर गुनगुने पानी में रखेंगे ना, तो ये सारा वैसलीन अपने आप मेल्ट हो जाएगा। आप थाली में पानी लीजिए, चौड़े बर्तन में, मैंने ध्यान नहीं रखा पहले, मैं इसमें पानी लेके आ गई। तो आप थाली में पानी लीजिए गर्म पानी, तो उसमें आराम से कटोरी रख देना, और कटोरी रख के उसे मेल्ट कर लेना। तो मैं भी इसे मेल्ट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये सारा बन चुका है, ठीक है, इस तरीके से एक फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। और जो बाहर की वो करते हैं ना, तो उससे तो हमें डर भी लगा रहता है कि चेहरे पर कहीं दाग धब्बे या दाने या एलर्जी वगैरह, जो मार्केट वाली ब्लीच होती है दाग धब्बे होने का डर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा ब्लीच सूख चुका है अच्छे से, ये देखिए। अब हम इसे वॉश करेंगे, यानी कि हटा देंगे इसे। तो देखिए, मैंने रुमाल को जो हैंग किया, हमने फिर से अच्छे पानी से वॉश कर लिया है, और जो पहला पानी था उसे गिराकर मैंने दोबारा से गुनगुना पानी कर लिया है। गर्म नहीं करना है, गुनगुना करना है, और इसी में मैं ये हैंग की डुबो देती हूँ। इसे डुबो के इसका सारा पानी निचोड़ देना है इसमें से, और इसे पूरे को ना गर्म, बिल्कुल गर्म, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इससे इसे धीरे धीरे, ये देखिए, हटा देंगे। लग रहा है ना आपको असर, है ना, ये देखिए लाइव प्रूफ कितनी स्किन में चमक आ चुकी है।
एकदम चमकने लगे हैं, स्किन गाल भी चमकने लगे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो। इसमें इसमें कोई भी धोखेधड़ी वाली बात नहीं है। फेस वॉश करने के बाद हमने क्रीम लगा ली है, ये थोड़ी सी क्रीम ले ली है, कोई भी कोल्ड क्रीम हो या जो भी क्रीम आप यूज करती हो वही लेके हमें चेहरे की मसाज कर लेनी है। और ब्लीच करने के 2 घंटे बाद धूप में निकलना है, पहले नहीं निकलना है। तो देखा फ्रेंड आपने, मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दिया है मेरी स्किन कितनी एकदम फूल की तरह खिलने लगी है, ग्लो करने लगी है। और ये रेमेडी आपको हफ्ते में केवल एक ही बार यूज़ करनी है और पूरे हफ्ते आपका चेहरा ना स्किन इसी तरीके से ग्लो करेगी। होम रेमेडी कभी भी देखो तुरंत असर नहीं दिखाती है, अगर तुरंत असर नहीं दिखाती है तो कोई नुकसान भी आपको नहीं करती है। इसीलिए मैं तो हमेशा जब भी अपने चेहरे पर कोई चीज़ अप्लाई करती हूँ तो घर में ही अपना होम रेमेडी बना लेती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम हाउस वाइफ को वैसे भी घर से बाहर निकलने का तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो सोचा अपने घर में जो हमारे पास घरेलू चीज़ें हैं जो हम डेली में यूज करते हैं वही हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, रखी रहती हैं, तो उसी से हम एक बढ़िया सा परफेक्ट ब्लीच बना के तैयार कर लें। एक ऐसा ब्लीच होएगा आपके लिए कि ना तो आपके चेहरे पर ये झाइयाँ रहेंगी और ना ही स्किन पे जो एलर्जी लाल लाल जो हो जाता है चेहरा हमारा इन्फेक्शन हो जाता है वो भी आपको कभी नहीं होने वाला है। ये इतनी बढ़िया होम रेमेडी बनाई है मैंने आपके लिए ब्लीच की, तो मेरे कहने से प्लीज़ एक बार अपने चेहरे पर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको टमाटर शूट नहीं करता है तो इसमें टमाटर स्किप कर दीजिएगा और इसमें ना आप एक नींबू जो होता है नींबू का रस ऐड कर लीजिएगा। नींबू भी हमारे चेहरे के लिए स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसमें लाइव प्रूफ देख सकते हो मेरे चेहरे का, ये देखिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के नीचे कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी, और पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेगा और हमारी स्किन भी सेफ रहेगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। टाटा।